शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, वजह कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 से आम जन समुदाय को बचाना। तो इस लॉकडाउन के दौरान में हर कोई अपने घरों में अलग अलग गतिविधियां कर रहा है। ऐसी ही अपनी लॉकडाउन की गतिविधियों के अनुभव हमसे साझा कर रहे हैं शेखर पांडे। मेरा नाम शेखर पांडे है, मेरा बीकॉम फाइनल ईयर है। मैं अभी सरदार भगत सिंह कॉलेज रुद्रपुर में पढ़ता हूँ। मैं इस टाइम अभी लॉकडाउन में घर पे गमले लगाए हुए हैं, तो मैं उसमें गार्डनिंग कर रहा हूँ और नए उसमें पेड़ लगा रखे, तो उनकी देखभाल करता हूँ और कभी उसमें पानी डाल देता हूँ, तो कभी कुछ ऐसी टाइम पास हो जाता है। कभी कभी घर पे खाना वाना बना लेता हूँ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का उस टाइम मिल रहा है, और अपनी ऑनलाइन क्लासेज भी पढ़ाई कर रहा हूँ, और बाकी बचा हुआ टाइम मैं पबजी खेल लेता हूँ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शेखर पांडे को, जो कि अपने घर में गमले लगाकर उनकी देखभाल कर रहे हैं और इसके अलावा अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी देख रहे हैं और घर पे खाना भी बना रहे हैं और बाकी बचा हुआ कुछ वक्त वो पबजी को दे रहे हैं। ऐसे ही आपके भी कुछ अपने अनुभव होंगे कि आप लॉकडाउन के दौरान में क्या कुछ कर रहे हैं, तो आप भी हमसे साझा कीजिए अपने अनुभव और आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड कर लीजिए। ये आपकी रक्षा करेगी, आपकी हिफाजत करेगी कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 के खिलाफ। और बातें हम आपसे आगे भी करते रहेंगे, आप बने रहिए 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।